मतलब ये जो महीना है वो आप जैसे लोगों के लिए है ना। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में लेके बाबू बेबी सोना करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, कुछ करो। तो आप पूरे साल में कभी भी जता सकते हो, जरूरी नहीं है गिफ्ट देकर या किसी से इस टाइप घुमा कर फिर आकर ऐसा प्यार जता है, वो उसके काफी तरीके होते हैं। हमारे लिए बस 14 फरवरी है क्योंकि उस दिन ब्लैक डे होता है, तो हम तो वही सेलिब्रेट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा। आज हम निकले हैं हल्द्वानी की सड़कों में। जैसा कि आप सभी को पता है जो फरवरी का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में वैलेंटाइन वीक जो है वो कल से शुरू होने वाला है। तो आज हम निकले हैं, तो वैलेंटाइन वीक में जैसे कि आप सभी को पता है जो कपल्स होते हैं वो इस हफ्ते में अपना एक तरीके से प्यार को इजहार करने के लिए जो वीक है इसलिए मनाते हैं। तो इसके साथ ही एक और दिन है जो फरवरी में मनाया जाता है, यानी कि 14 फरवरी को दो दिन मनाए जाते हैं, एक है वैलेंटाइन डे और दूसरा है ब्लैक डे। तो ऐसे में हम निकले हैं हल्द्वानी की सड़कों में, जानेंगे यहाँ के लोगों से कि वो किस दिन को प्रेफरेंस देते हैं, ब्लैक डे या फिर वैलेंटाइंस डे। हाय। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम विवेक पांडे। जैसे कि फरवरी आ गया है तो कल से कुछ स्टार्ट होने वाला है, क्या स्टार्ट होने वाला है पता ही होगा वैसे तो आपको। हाँ, वीकेंड चलता है। अच्छा, पहले तो सिंगल हो आप? ना ना। सिंगल नहीं हो? ना ना। तो मतलब ये जो महीना है वो आप जैसे लोगों के लिए है ना? तो कुछ बताइए, वैलेंटाइन जो वीक है वो शुरू हो चुका है, क्या कुछ प्लान्स है इस हफ्ते? ये वीक पूरा ही मतलब प्लान ही चलता है सबका, तो हमारे भी वही है। तो अभी तो यहाँ मतलब मैं उसके साथ नहीं हूँ, पार्टनर के साथ, लेकिन और उनका मतलब सही चलता होगा, लेकिन हमारा तो अभी नहीं चला है क्योंकि इसी मतलब इसी ईयर आया हूँ रिलेशन में। तो अच्छा, मतलब 2 महीने हो रखे हैं? एक दो महीने हो रखे हैं बस, 1-2 महीने। चलो बढ़िया है, आगे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। वैसे 14 फरवरी को और भी कुछ होता है? हाँ, वैलेंटाइन डे होता है 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे के अलावा भी कुछ होता है? ब्लैक डे था शायद, पुलवामा अटैक। हाँ हाँ, तो वैलेंटाइन डे के अलावा वो चीज़ भी याद रखनी चाहिए। हाँ, ये वो इसी के लिए मतलब एक आर्मी मतलब एक आर्मी मतलब एक जवान के लिए हम उस दिन को याद कर सकते हैं, जैसे कि वैलेंटाइन डे के अलावा ब्लैक डे भी मनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वैलेंटाइन डे। वो देश मतलब वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैलेंटाइन को ज़्यादा टाइम दे और मतलब अपने देश के लिए कुछ ना करें। हम कुछ कर ना सके तो याद तो कर ही सकते हैं वैलेंटाइन डे के दिन, वो ब्लैक डे के। हाय। हाय, आपका नाम? मेरा नाम नेहा। तो जैसे नेहा, फरवरी स्टार्ट हो गया है, वैलेंटाइन वीक भी कल से स्टार्ट ही हो रहा है, तो क्या प्लान्स हैं ये बताइए जरा। कुछ भी प्लान नहीं है, एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप पढ़ने का प्लान है? हाँ। अच्छा, आप सिंगल हो? हाँ, सिंगल हो। तो मतलब आपके लिए फरवरी मतलब बुरा नहीं लग रहा कि वैलेंटाइन में कोई नहीं है ऐसा कुछ? नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे कुछ लोग होते ना कि दुखी रहते हैं कि वैलेंटाइन में मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप मतलब चिल हो? हाँ, मैं चिल हूँ क्योंकि वैलेंटाइन डे हो या कुछ भी हो, रात को चॉकलेट मेरे पापा मुझे देते हैं, मैं खुश हूँ। अच्छा, वैसे फरवरी में एक दिन और बड़ा दिन होता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या कहते हैं, ब्लैक डे? हाँ, पुलवामा हमला, मुझे उस पर आप क्या कहेंगे? पुलवामा उस पर ये कि अगर आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो तो उसकी भी एक स्टोरी लगा सकता है इंसान, जो आपके लिए वहाँ पे आर्मी है आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में लेके बाबू बेबी सोना करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, कुछ करो, अपने माँ बापों का नाम रोशन करो, कुछ एक स्टोरी लगाओ, कुछ बताओ। क्योंकि ऐसा होता है, देखो अभी मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, मैं जो करूँगी ना उनके ऊपर असर आएगा ही, वो चीज़ होती है। तो आप अपने घर में ज़रा ठीक रखो, आप उनको बता दो कि यार ब्लैक डे आ रहा है या इस दिन ये हुआ था, कुछ भी बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही बताना है वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो रहा है, आप बाहर मत जाना, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना, ये वो ये मत बताओ, ये बताओ कि क्या हुआ था उस दिन। हाय। हेलो, आपका नाम? मुस्कान भाई। सेम क्वेश्चन है, वैलेंटाइन जो वीक है वो शुरू हो चुका है, कल से शुरू होगा जी, और तो फिर और क्या प्लान्स हैं इसके? तो फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है, मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एमए कर रही हूँ, तो उसकी फ़िलहाल पढ़ाई करनी है। और ये वैलेंटाइंस डे वगैरह तो उन लोगों के लिए है ना जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो ये सब तो वैसे भी फालतू डेज हैं, मतलब ये अंग्रेज़ों ने बनाया है जिनका मतलब कोई वैल्यू नहीं है इनकी, ये सिर्फ फालतू टाइम वेस्ट करना है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज़। अच्छा, मतलब जैसे ये होता है ना कि मतलब
प्यार दिखाने के लिए एक ही दिन मनाते हैं। हाँ, तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो ज़रूरी नहीं उसके लिए कोई आप 7 days में ही जताया जाए, वो तो आप पूरे साल में कभी भी जता सकते हो। ज़रूरी नहीं है गिफ्ट देकर या किसी से इस टाइप घुमा कर फिर आकर ऐसा प्यार जताए, वो उसके काफ़ी तरीके होते हैं। वो तो एक लोगों ने एक बना लिया है कि हाँ इन्हीं 7 days में हमें करना है लव लव लव, और ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं कि इन्हीं डेज़ के लिए रिलेशन में आते हैं, बाद में ब्रेकअप, तो वो चीज़ गलत है ना। तो एग्जैक्टली जो 14 फेब में जैसे कि अभी बताया इन्होंने वो चीज़ होती, तो आप उस चीज़ पर करो, उसके लिए प्रे करो, वो मैन है, ये सब चीज़ें तो बेकार हैं। हाय, हेलो, आपका नाम? कमल जोशी। वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है कल से, क्या प्लान्स हैं? हमारे तो कोई प्लान ही नहीं है, हम तो सिंगल लोग हैं। तो मतलब ये जो फरवरी है वो आप जैसे लोगों के लिए है ही नहीं? हमारे लिए बस 14 फरवरी है, क्योंकि उस दिन ब्लैक डे होता है, तो हम तो वही सेलिब्रेट करेंगे। बस ये आपने बढ़िया किया, इसका मतलब आप एक अच्छे नागरिक हैं देश के। आपसे बात करेंगे, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? शिवम मेहर। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? ना ना। क्यों नहीं है गर्लफ्रेंड? हमें तो शिवरात्रि का इंतजार है बस। शिवरात्रि का 18 तारीख। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड कभी थी नहीं? ना ना। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आप क्या पता मुझसे झूठ बोल रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड वो देखेगी फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, फिर नहीं होगा, है नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है तो समझ जाएगी कि किसी कारण से उसने बोला होगा कि नहीं है, मतलब वो रीजन पता लग जाएगा उसको। नहीं है, कम में हूँ मैं, बहुत नहीं है। अच्छा, तो 14 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? वैसे तो ब्लैक डे है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि हम निकले थे हल्द्वानी की सड़कों में लोगों से बात करने, कपल से बात करने, तो कुछ जो कपल्स थे वो हमें देख के यहाँ से भाग गए, उनको डर था कि वो कैमरे में आ जाएंगे, तो वो लोग भाग गए। तो वहीं कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने पुलवामा अटैक यानी कि जो ब्लैक डे है 14 फरवरी उसी को प्रेफरेंस दी, यानी कि जो विदेशी परंपरा जो वैलेंटाइन वीक है उसको इतनी जो महत्वता है वो नहीं दी। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ JJN News। नमस्कार।